हेलो व्यूअर्स, दिस इज शांत एंड यू आर वाचिंग लाइफ इज़ ऑसम। तो देखिए, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि आप पत्थर लैटराइट स्टोन जो रहता है ना, कहाँ से निकलते हैं और किस तरह से वो बनाते हैं। तो जैसा मेरे पीछे देख सकते हैं आप सभी, मैं अभी फ़िलहाल हूँ खनी या फिर और आप कह सकते हैं उसे, जहाँ से पत्थर निकाला जाता है। लाल पत्थर अंग्रेजी में इसे कहते हैं, लैटराइट स्टोन। तो इस लैटराइट स्टोन का ये खासियत है कि जैसा पोरस रहता है अंदर, क्या है पोर्स रहते हैं, और जिसके अंदर जहाँ पे लैटराइट स्टोन रहता है ना, उस जगह का एक खासियत रहता है, वहाँ कभी भी पानी का कोई कमी नहीं रहता है, एनी टाइम पानी रहता है। तो बने रहे वीडियो में पूरे शुरू से अंत तक, और ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए चैनल लाइफ इज़ ऑसम सिविल को। तो अभी मैं आपको दिखा दूंगा किस तरह से पत्थर निकाला जाता है, और लाइव मैं नहीं दिखा सकता हूँ बिकॉज ड्यू टू सम प्रॉब्लम। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्या करते हैं, एक जगह फाइंड आउट करते हैं। जगह फाइंड आउट मतलब कौन सा जगह सूटेबल है, वहाँ पे हार्ड रॉक है या नहीं, सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद वहाँ से स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं वर्क। तो फर्स्ट क्या करते हैं, इस तरह से बनाते हैं, पूरा एक कंप्लीट हार्ड रॉक रहता है। हार्ड रॉक के अंदर एक चक्र मतलब एक ट्रैक्टर, छोटा ट्रैक्टर मशीन रहता है ना, उस व्हील को क्या है, ब्लेड लगा देते हैं। ब्लेड से ऐसे स्ट्रेट फिराते हैं, मतलब जगह जगह क्या है डोरी रखते हैं, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन पूरा यहाँ से लेके पूरा एंड तक करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, शुरू से लेके एंड तक एक डोरी लगाते हैं, फिर कटिंग करते हैं। सेम उसी तरह स्टेप बाय स्टेप, जैसा आपका रिक्वायरमेंट है 6 इंच, यहाँ से यहाँ तक इसका विड्थ थिकनेस मतलब मोटाई है 6 इंच, 6 इंच, तो यहाँ पे रखते हैं, फिर कटिंग करते हैं। सेम इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप एक एक करके कटिंग करते हैं। तो कटिंग करने के बाद इस तरह से तो दिस वीडियो इज़ प्योरली ओनली फॉर एजुकेशनल एंड नॉलेज पर्पोज ओनली। जहाँ से कटिंग करते हैं वो एरिया स्मूथ आता है, बाकी का ये जो नीचे का पोर्शन जो रहता है ना, वो पिकास लेके निकालते हैं, ईजिली निकालते हैं। तो ईजी निकालने के बाद इस तरह से रफ़ आ जाएगा, टॉप बॉटम रफ़ रहता, साइड्स दोनों साइड्स यहाँ का और यहाँ का जो है स्मूथ आ जाता है। तो इस तरह से क्या है, लाल पत्थर लैटर स्टोन निकालते हैं, और जहाँ पे भी लाल पत्थर रहता है उस एरिया में कभी पानी का कमी नहीं महसूस होता, बिकॉज ये जो पोर्स रहता है ना, पोर्स के अंदर पानी भर जाता है, इसके अंदर पानी भरता है। और जब आप कुआ या फिर बोरवेल मारते हैं, जितना भी पोर्स के अंदर का पानी रहता है वो गैप के अंदर फिल जाता है। फिल होने के बाद आपको एनी टाइम मैक्सिमम पानी का रिक्वायरमेंट आप फुलफ़िल कर सकते हैं। और एक खासियत है इस पत्थर का, जैसा इसके अंदर पानी रहता एकदम फिल्टर से, ऐसे पोर्स आप देख सकते हैं, इसी तरह से हर एक स्टेप्स में, हर एक एक इंच में पोर्स रहता है ना, उससे फ़ायदा यही है कि ऑटोमेटिक वाटर जो है फिलअप रहता है, ऑटोमेटिक वाटर जो है फिल्टर होके आप पानी पी सकते हैं। और एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये जहाँ पे इस तरह का पत्थर रहता है वहाँ पे अर्थक्विक यानी कि भूकंपन का भी मैक्सिमम कम चांसेस रहता है। उसके पीछे एक वजह है, जैसा देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए एक लोहा है, ओके, पूरा कंटिन्यू एक लोहा है, ओके, यहाँ पे कंटिन्यू पूरा लोहा दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे इस लोहे को आप करंट का तार जोड़ दीजिए, अगर कोई आदमी यहाँ पे टच करा तो उसको करंट लगता है, ठीक है। उसी तरह से ये भी लोहा है, समझ लीजिए यहाँ पे करंट बाईपास हो रहा है, अगर आप यहाँ पे टच करें तो करंट नहीं लगेगा, बिकॉज यहाँ पे डिसकंटिन्यू है, कटिंग है, और यहाँ पे लगे तो करंट लगेगा। तो इसका मतलब है उसका जो भी पावर रहता है, अर्थक्विक का जो भी रेंज रहता है, जो है ना, जब आप वेक्टर स्केल पे मापते हैं तो क्या है, इस पोर की वजह से क्या है डिसकंटिन्यू होते रहता है, इस पोर है ना, उसकी वजह से क्या है अर्थक्विक का जो भी वो पावर रहता है
वो कंपन जो रहता है उसका रेंज को क्या है कम करता है इस टाइप के पत्थर्स। वही इसके बदले आप एक पूरा लाल पत्थर काला पत्थर लीजिए, वो कंटिन्यूस रहता, कोई गैप्स नहीं रहते ना, उसकी वजह से क्या है आपको वहाँ पे ज़्यादा कंपन का महसूस होता रहता है। तो यही है इस वीडियो बनाने का मेन मकसद। और मैक्सिमम लोग मुझे पूछे थे कि लाल पत्थर आप कहाँ से निकालते हैं या फिर कहाँ से, तो देखिए इस तरह का वोर्स रहते हैं वहाँ से क्या है लाल पत्थर निकाला जाता है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अंटिल एंड। तो वीडियो का मेन मकसद है नॉलेज देने का या फिर एजुकेशनल, तो इसके पीछे या फिर कोई भी वजह नहीं है, ये दो चीज़ के अलावा कोई भी दूसरा वजह नहीं है। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू। और एक खासियत बात है, ऊपर लेयर हार्ड उतना डेंसर नहीं रहता है, उसकी दबाव से ऊपर का लेयर का जो दबाव की वजह से क्या है नीचे का लेयर जो है एकदम डेंस हो जाता है। तो जितना डीप जाएंगे उतना मजबूत उतना स्ट्रांग पत्थर आपको मिलते हैं, ये भी एक डिफरेंस है इस पत्थर का खासियत। Just...